तो बहुत ख्याल अपने पर नजर जाए यार, मैं कमियों से भरा हुआ हूं। खुदा की कसम, बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो जिनकी नजर अपने ऊपर जाती है। देखो हजरत उमर इंतकाल कर रहे हैं दुनिया से, बताओ यार इनके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुनना इस बात को। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, उमर मेरे बाद कोई नबी नहीं, नबी होते तो आप होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अराफात से वापसी हो रही है, सहाबा कराम आपके साथ हैं, आपने फरमाया है मेरे सहाबा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त तुम पर फरिश्तों के सामने फखर फरमा रहे हैं और ए खत्ताब के बेटे खास तौर पे तुझ पर। हाँ, क्या आपने फरमाया दो वजीर मेरे आसमान पर, दो वजीर जमीन पर। हाँ जी, आसमान के वजीर जिब्राइल मीकाइल, जमीन के वजीर अबू बकर और उमर। और हज़रत अली करमल्लाह वजू फरमाया करते थे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मर्तबा ये कहते सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। और दुनिया से जा रहे हैं तो क्या कहते हुए जा रहे हैं, अरे मुतमईन होते तो ये होते जिनको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, इनको अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्रा फिल जन्ना, ये लोग मुतमईन होते कि यार हमें तो अल्लाह के नबी ने क्या दिया भाई, हम तो जा ही जा रहे हैं जन्नत के अंदर। मुतमईन होते तो बदर के लोग मुतमईन होते ना, कि जिनके बारे में कह नबी करीम ने फरमाया भाई अल्लाह ने इनके बारे में कह दिया ये सियाह करें सफेद, ये तो जन्नत में जा रहे हैं, ये होते हैं मुतमईन। तो जाते हुए क्या दुनिया से कह रहे हैं हज़रत उमर, क्या कह रहे हैं, हाय उमर बर्बाद हुआ तू, हलाक हुआ तू और तेरी मां, अगर अल्लाह ने तुझे माफ ना किया। बेटे से कहा मेरे मुंह को डाल दो मट्टी के अंदर, और रगड़ते 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 चले गए। बेटे ने कहा मेरे रान पे रखें, कहा मट्टी में डाल मेरे मुंह को, रगड़ते 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 चले गए। तो इनके हम किस्से एक दूसरे को भी सुनाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं और इन्हीं को अपना बड़ा भी मानते हैं। इन लोगों का कमाल क्या था मेरे दोस्तों, ये हर वक्त अपना एहतसाब करते थे, ये हर वक्त अपना एहतसाब करते थे। इनकी नजरों में हर वक्त अपनी जात होती थी, यार मेरे से गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो अल्लाह ने इनमें से हर एक को अपना इमाम, इंसानों का इमाम बना दिया, एक एक को वो इमाम बना दिया अल्लाह ने उनमें से एक एक को। क्यों? नजर अपनी जात की तरफ।